Assalamu alaikum. वालेकुम वंस अस्सलाम. अगेन वी आर बैक विद आवर वीकली वेबिनार. इस हफ्ते मेरे साथ एक और बहुत एक वैल्यूएबल किस्म के गेस्ट मौजूद हैं. इससे पहले कि मैं आपको उनके बारे में बताऊं, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि पिछली दफा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए जिनका ताल्लुक लोगों की अपनी जॉब से था और अपनी सिचुएशन से था, और लोग जानना चाह रहे थे कि इकोनॉमी में जो चेंजेस हो रही हैं उनका उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है. इसका डायरेक्टली जवाब देने के बजाय मैंने सोचा मुनासिब होगा वी कॉल इन समवन हु इज डीलिंग विद दीज इश्यूज ऑन अ डेली बेसिस. सो आई हैव विद मी फरुख रशीद साहब. फरुख साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Farooq Saab Janab has worked with me in the past. We have worked together as colleagues as well. And Farooq has experience in various different industries. He has an MBA from IBA, and he has worked in, you know, you name it. He's worked in the textile industry. He has exposure to the telecommunications industry. He works in the power industry. And his current position gives him a very unique perspective on the changes that we are facing at this time, this COVID-19 pandemic and the way it has affected Pakistan's economy as well as economies all over the world. He's been dealing with the fallout of this pandemic directly, and he's been involved in planning for his organization what the future is going to look like and how it might be different. So मैंने इसलिए फरूख साहब से रिक्वेस्ट की कि वो आज हमें थोड़ा सा टाइम दें और हमें हमसे अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें इकोनॉमी के बारे में. बिफोर आई कंटिन्यू दो, मैं चाहता हूं कि फरूख साहब 2-3 मिनट में अगर आप हमसे अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ शेयर कर लें ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल जाए और थोड़े से फेमिलियर हो जाए आपके साथ. फरूख साहब थैंक यू सो मच. कामान, मुझे बड़ी खुशी है आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस तरह की डिस्कशंस करें और पर्सपेक्टिव्स क्लियर हों ताकि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो अनफोर्सीन किस्म की एक इन्वायरमेंट से हम डील कर रहे हैं, उसमें हमें कुछ मदद मिल सके. मैं, जिस तरह आपने बताया कि मेरा एक बहुत वेरीड किस्म का बैकग्राउंड रहा है, मैंने बिजनेस साइड पे काम किया, लाइन फंक्शंस में काम किया है, मैंने HR में काम किया है, ऑपरेशनल एक्सेलेंस में, फाइनेंस में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मेरा जो है वो एक जनरल कॉर्पोरेट सेक्टर जो मैं जो काम करते हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बिकॉज मेरे पास ब्रेड्थ ऑफ एक्सपीरियंस ज़्यादा है. दूसरा ये कि करंट मेरा रोल जो है वो दो एरियाज पे फोकस कर रहा है. आई एम लुकिंग आफ्टर HR एंड ऑल्सो द बिजनेस डेवलपमेंट साइड ऑफ हब पावर कंपनी. उसकी वजह से एक तो HR के इश्यूज करंट सिचुएशन की वजह से आ रहे हैं, ऑब्वियसली उसके ऊपर प्लानिंग करना, अब एक वर्क पैटर्न्स बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं उसके ऊपर काफ़ी सारा चेंजेस आ रही हैं उसके ऊपर काम करना, एंड देन ऑन द बिजनेस साइड ऑल्सो बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग न्यू बिजनेसिस फॉर द कंपनी, उसके ऊपर जो बिजनेस इम्पैक्ट है उसके ऊपर भी हम काफ़ी क्लोजली स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इकॉनमी आगे किस तरह इवॉल्व करेगी और उसका फिर क्या इम्पैक्ट जो है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में होगा. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी ग्लैड टू यू नो आंसर योर क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच फरूख साहब. एंड दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर यू. हमारी गवर्नमेंट में हमारे लीडर्स हमसे शेयर कर रहे हैं बहुत ट्रांसपेरेंटली कि उनके ख्याल में इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है. बिजनेस लीडर्स बहुत ट्रांसपेरेंटली ऑनलाइन शेयर करते रहते हैं कि उनके ख्याल में इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, लेकिन वो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जिससे हो सकता है आमतौर पर लोग इतने फेमिलियर ना हो. आप और मैं जब आमतौर पर डिस्कशन करते हैं इकोनॉमी के बारे में, हम भी कई दफ़ा उन टर्म से थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि बेहतर होगा कि हम इकोनॉमी की डायरेक्शन या मईशत की डायरेक्शन और उसका हमारे ऊपर क्या असर होना है, एक एवरेज आदमी के ऊपर क्या असर होना है, उसके बारे में कुछ ऐसे अंदाज में बात करें कि सादा अल्फाज में एक आम आदमी को समझ आ सके कि अगर हमारा अंदाजा है कि कुछ होने वाला है तो ऐसा क्यों है, और अगर वो नहीं होगा और कुछ और हो सकता है तो ऐसा क्यों है. तो मैं लेट मी जस्ट रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट ऑफ विद टेल अस अबाउट द डायरेक्शन द इकॉनमी इज टेकिंग, व्हाट डू वी थिंक इज गोइंग टू हैपन, व्हाट आर सम थिंग्स दैट आर गोइंग टू लाइकली बेनिफिट अस, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो थ्रेट्स के तौर पे मौजूद हैं और क्या लाइकली सिनेरियोस बन सकते हैं. इट्स अ वाइड सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन बट आईड लव टू हियर फ्रॉम यू ऑन दिस. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. इकॉनमी की जब हम बात करते हैं तो वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी और बहुत सारे वेरिएबल्स के अराउंड जो है वो डिस्कशन चली जाती है, और एक लेमैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है कॉम्प्रीहेंड करना और देखना कि आगे चीज़ें किस तरह अनफोल्ड होंगी. तो अगर हम इकॉनमी को बड़ा सिंपल तरीके से देखना चाहें तो इकॉनमी का उसको तीन मेजर ड्राइवर्स जो हैं वो इकॉनमी को किसी भी इकॉनमी को ड्राइव करते हैं. उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर है वो तो डिमांड है. जब भी किसी इकॉनमी के अंदर कोई डिमांड जो है वो पूरी की पूरी इकॉनमी का जो पहिया है उसको चलाती है. डिमांड का क्या मतलब है? डिमांड का मतलब ये है कि लोगों के पास इनकम है,
उस इनकम और या सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, इनकम के अलावा वो थ्रू क्रेडिट भी आ सकते हैं, लोगों के पास फंड्स हैं और वो खर्च करना चाह रहे हैं. खर्च किस चीज़ पे किया जाता है? वो किया जाता है जनरली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे. प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? वो कंपनीज प्रोवाइड कर रही होती हैं. तो जब लोग डिमांड क्रिएट करते हैं, कंपनीज उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं. उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए उनको कैपेसिटीज यूटिलाइज करनी पड़ती हैं, उनको ह्यूमन रिसोर्स को रखना पड़ता है, उनको इन्वेस्टमेंट मशीन्स और अदर रिसोर्सेज में करनी पड़ती है. उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है. एम्प्लॉयमेंट जिन लोगों की जनरेट, जिन जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं वो भी कंज्यूमर्स भी होते हैं, तो उनको भी एक इनकम आती है और उनकी फिर स्पेंडिंग पावर जो है फर्दर डिमांड में कॉन्ट्रीब्यूट करती है. तो एक साइकिल चलता है जिसके थ्रू डिमांड को क्रिएट कर सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देन उसके थ्रू फिर वो इनकम जो है वो दोबारा इकॉनमी में डिमांड जनरेट करने का पार्ट बनती है, और इस तरह इकॉनमीज जो है वो ओवर द पीरियड ग्रो करती रहती है. सही. तो जो कुछ आपने कहा, इसको अभी तक आपने कहा, उसको हम रिकैप कर लें कि लोग चीजें खरीदना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, और किसी ना किसी ने तो वो चीजें बनानी है, तो वो चीजें कंपनीज बनाती हैं या बिजनेसेस बनाते हैं. जब वो चीजें बनती हैं और लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, तो फिर लोग उन कंपनीज को या बिजनेसेस को उन चीजों के लिए पैसे देते हैं. वो पैसे लेकर कंपनीज सारी बात एक्सपेंड करना चाहती है, तो वो अपने पास स्टाफ हायर करती है. जब वो स्टाफ उस कंपनी के लिए काम करना शुरू करता है, उसको एक तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह को लेकर स्पेंड करता है, तो वो भी उन कंज्यूमर्स की, खरीदने वालों की फहरिस्त में शामिल हो जाता है. तो इस तरीके से जब ऐसे लोग खरीदते रहते हैं और बिजनेसेस प्रोड्यूस करते रहते हैं, ये इस साइकिल है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि खरीदा भी जाता है, प्रोड्यूस भी किया जाता है, और इस तरीके से लोगों की, जैसे आपने कहा, एबिलिटी टू परचेज या खरीद, कुव्वत खरीद बढ़ती जाती है, और मईशत इस तरीके से ज्यादा तगड़ी होती जाती है. तो ये तो रिकैप हो गया अभी तक. प्लीज कंटिन्यू. जो मईशत जो है वो इस तरह, जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल ग्रो होती रहती है और एक साइकिल चलता रहता है. अब अगर इस साइकिल में किसी तरह, किसी भी वजह से डिमांड कम हो जाए, तो क्या होता है, ये साइकिल रिवर्स में चलना शुरू कर देता है. मिसाल के तौर पर डिमांड कम होगी तो कंपनीज को गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. कम प्रोड्यूस करनी पड़े, जब रिसोर्सेज उनको जो चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो कम चाहिए होंगे, उसकी वजह से ले ऑफ्स होंगे, उसकी वजह से कैपेसिटीज कम होंगी, उसकी वजह से ऑब्वियसली लोगों की इनकम कम होगी, एंड दिस विल फर्दर रिड्यूस द डिमांड इन द इकॉनमी. इसको हम कहते हैं रिसेशन या नेगेटिव साइकिल, जिसके थ्रू इकॉनमी जो है वो फिर एक एक शॉक में चली जाती है, और उसकी वजह से इकॉनमी का जो पहिया है वो रुक जाता है. सही. अभी जो सिचुएशन को, जी प्लीज. बस मैं इसी को साथ रिकैप करना चाह रहा था कि ताकि हम इन चीजों को क्रिस्टलाइज कर लें. आपने कहा कि अगर लोग खरीद ना सकें, और उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, अगर लोग खरीद ना सकें, कंपनीज और बिजनेसेस के पास पैसा नहीं आएगा, अगर पैसा नहीं होगा तो उनके पास ये अपने पास लोगों को रखने की एबिलिटी भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उन लोग, अगर कुछ लोगों को ले ऑफ करना पड़ा, तो वो लोग भी फिर खरीद नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से मांग या डिमांड और कम होती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी स्लो डाउन आ जाएगा उसके अंदर, जिसे आपने कहा, इसे हम कहते हैं रिसेशन. तो रिसेशन, एग्जैक्टली. अब COVID-19 की जो सिचुएशन है, उसमें हुआ क्या, उसमें दो फैक्टर्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. एक तो इनहेरेंट डिमांड कुछ चीजों की कम हो गई, लोगों ने ट्रेवल करना कम कर दिया, शिपमेंट कम होनी शुरू हो गई, लोग घरों में चले गए, उसकी वजह से इकॉनमी थोड़ी सी डिमांड जो है वो नॉन एसेंशियल गुड्स की कम होती चली गई. और इसके अलावा एक दूसरा रोल जिस चीज़ ने प्ले किया, वो अनसर्टेनिटी है. जब लोग अनसर्टेन होते हैं तो वो अपनी स्पेंडिंग कर्टेल करते हैं, वो खर्च नहीं करते उन चीज़ों पर जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है, या वो जो लग्जरीज होती हैं उस पर स्पेंड नहीं कर रहे होते. तो हुआ क्या कि एक डिमांड एकदम से जो है वो स्टॉल कर गई बिकॉज ऑफ COVID-19, और डिमांड रिड्यूस इतनी ड्रास्टिकली, इतनी जल्दी हुई कि उसके रिएक्शन के तौर पे कंपनीज का रेवेन्यू और कंपनीज की कैपेसिटीज आइडल होने शुरू हो गए, और उन्होंने ले ऑफ शुरू कर दिए, और जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं वो साइकिल रिवर्स चलना शुरू हो गया, और उसकी वजह से इकॉनमी जो है वो रिसेशन में जो है वो जा रही है. और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया में ये चीज़ जो है, बिकॉज ये COVID-19 की सिचुएशन तो पूरी दुनिया में है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में डिमांड जो है वो उसी तरह रिड्यूस हुई है, और इकॉनमीज जो है वो रिसेशन में, और इकॉनमीज जो इकॉनमी का पहिया है वो ऑलमोस्ट रुक गया. सही. यानी कि COVID-19 के अंदर जो सिचुएशन पैदा हुई, इसकी वजह से लोगों ने खरीदना कम कर दिया, एक तरह से मजबूर होकर खरीदना कम कर दिया, घरों में महसूर हो गए, खरीद नहीं सकते थे. अब चूंकि लोग चीज खरीद नहीं सकते, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, इसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर दो तरफ से असर पड़ा. एक तो वो जा नहीं सकते, इसका मतलब है दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते, तो चीजें प्रोड्यूस नहीं हो सकती. दूसरी तरफ खरीदने वाले भी, या खरीदना भी उन्होंने कम कर दिया,
और मजबूरन पाकिस्तान ही नहीं, आप कह रहे हैं पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसकी वजह से रिसेशन में चलेगी। तो अब ये सूरत हाल है, ये हो गया आज का हाल। अब सर आगे की तरफ देखते हैं, आपके ख्याल में ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी? आगे देखें, अगर हम एक मेजर इम्पैक्ट एक क्राइटेरिया लें जिसके तहत हम ये देख सकते हैं कि ये सूरत हाल किस तरह अनफोल्ड होगी, तो आपको पता है यूएस में मोर देन 30 मिलियन पीपल हैव फाइल्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। हम 3 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। पाकिस्तान में जो डिफरेंट सोर्सेज से नंबर आ रहे हैं, जो एक एक एस्टिमेशन की जा रही है, वो ये की जा रही है कि 18 to 20 million पीपल will be unemployed as a result of this lockdown. इसके अलावा 40 से 50 मिलियन लोग वो हैं जो पावर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ह्यूज है। जब इतने लोग बेरोजगार होंगे, इतने लोग पावर्टी लाइन से नीचे जाएंगे, तो डिमांड जिसकी हम बात करें, जो कि इकॉनमी का पहिया चलाती है, वो और कम हो जाएगी और इकॉनमी जो है वो एक कुछ अरसे के लिए एक रिसेशन में चली जाएगी और एक एक सिचुएशन जो है वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। जी, तो आप कह रहे हैं गंभीर सूरत हाल है। हमें मालूम है कि यूएस में तो जैसे आपने कहा कि वी नो द नंबर्स अबाउट 30 मिलियन और पाकिस्तान के अंदर जैसे असद उमर साहब ने बताया था कि वी आर एक्सपेक्टिंग एनीवेयर बिटवीन 18 to 20 million, बिल्कुल, यानी 1.80 करोड़ से लेकर 2 करोड़ लोग जिनके बारे में अंदाजा है कि वो बेरोजगार हो जाएंगे। और जारी बात है इसका हमारी ओवरऑल डिमांड के ऊपर भी वही इफेक्ट पड़ रहा है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, एक रिसेशन वाली सूरत हाल पैदा हो रही है। और दूसरा इसका इफेक्ट ये होगा कि गोइंग फॉरवर्ड मईशत को उस स्टैग्नेशन से निकलने की लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इसके बारे में किया क्या जा सकता है फरोज साहब? देखें, इस बारे में गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ स्टेप्स उन्होंने ले लिए हैं, कुछ वो प्लान कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट आपको पता है कि बिफोर COVID-19 इट वाज इन डबल डिजिट्स। स्टेट बैंक का प्लान ये था कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, चीज़ें बहुत महंगाई बढ़ती चली जा रही थी, उसको एक कंट्रोल करने का एक तरीका ये होता है कि आप मनी सप्लाई इकोनॉमी में रोक दें, और उसका एक तरीका ये कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो एक तो पैसा महंगा हो जाता है, तो कंज्यूमर भी पैसा कम लेते हैं, कंपनियाँ भी पैसा कम लेती हैं, तो जिस तरह हम स्पेंडिंग की बात कर रहे थे ना, इकॉनमी वो कम हो जाती है। प्लान ये था स्टेट बैंक का कि जी हम इन्फ्लेशन को कम करेंगे और जब 7-8% पे आएगी तो फिर हम इंटरेस्ट रेट को जो है वो आस्ता आस्ता रिड्यूस करते हुए उसको लें। लेकिन हुआ क्या कि डिमांड कम होने की वजह से वो इन्फ्लेशन ऑलरेडी रिड्यूस हो गई बहुत ज़्यादा। अभी इस मंथ की जो इन्फ्लेशन आई है, नंबर आए, वो 8.5% आए हैं और लग ये रहा है कि पूरे साल की इन्फ्लेशन जो कि डबल्ड 14.6% तक थी, वो हम तकरीबन 10-11% के अराउंड जो है वो क्लोज करेंगे। तो एक तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दी है और प्लान ये है कि इसको आगे फर्दर रिड्यूस करेंगे, और एक मैं स्टडी पढ़ा था उसमें ये था कि अराउंड 7-8.5% इंटरेस्ट रेट पे हम आ जाएंगे फ्रॉम लाइक 14 point some percentage एट सर्टन पॉइंट इन टाइम। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक स्टिमुलाई क्रिएट होगा और एक स्टिमुलस होगा लोगों के लिए कि सस्ता पैसा अवेलेबल होगा तो वो डिमांड को सपोर्ट करेगा। सेकेंड, जो एक गवर्नमेंट ने कुछ पैकेजेस अनाउंस किए हैं, जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए उन्होंने पैकेज अनाउंस किया, दैट इज़ आल्सो एन एफर्ट टू इंक्रीज एंड एक स्टिमुलस दिया जाए ताकि इकॉनमी जो है वो किसी तरह रिवाइव होना शुरू हो। बट इट विल टेक सम टाइम। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी कल से इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू हो जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक ये इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी अगले साल में कहीं जा। इसी तरह कुछ और सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा है कि नए अगर आप बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं तो उस पर सर्टन टैक्सों की छूट है, ड्यूटीज़ की छूट है। अगर आप हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो ड्यूटी फ्री मशीनरी इंपोर्ट हो सकती है। इन सब चीज़ों का मकसद यही है कि किसी तरह इकॉनमी का पहिया जो है उसको हम रिस्टार्ट कर सकें और उसे चलता रख सकें ताकि रिसेशन का इम्पैक्ट जो है कम से कम हो सके। दुनिया में, बाकी दुनिया में भी इसी किस्म के पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि डिमांड जितनी जल्दी हो सके हम क्रिएट करें और इकॉनमी दोबारा से रिवाइव होना शुरू हो जाए। सही, तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ऑलरेडी इसके बारे में कुछ ना कुछ कर रही है और डिमांड क्रिएट करने के लिए, यानी कि उस रिसेशन में जाती हुई इकॉनमी को थोड़ा सा चलाने के लिए, उसमें लोगों को ये एबिलिटी देने के लिए कि वो खर्चा कर सकें, उसके लिए उन्होंने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया जिसका आपने जिक्र किया। और उसमें आपने उसके दो एस्पेक्ट्स का जिक्र किया, एक तो ये कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है पाकिस्तान का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो जिस शरह सूद के ऊपर कंपनीज को कर्ज दिया करता था या बैंक्स को कर्ज दिया करता था, उसने उसके अंदर तब्दीली की है।
और वो आप कह रहे शरह सूद इसलिए ज्यादा थी पहले क्योंकि पहले हम लोग बहुत महंगाई 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 कर रहे थे, उस वक्त महंगाई ज्यादा थी, लेकिन जो ही कोविड 19 वाली सूरत हाल हुई उसकी वजह से कीमतों में जो इजाफा हुआ था वो बड़ी तेजी से कम होना शुरू हो गया। इस महीने आपने बताया कि हमारी जो महंगाई की शरह है वो 8.5% थी, और स्टेट बैंक ने भी उसके साथ साथ अपना इंटरेस्ट रेट जिस शरह सूद के ऊपर वो कर्जा दिया करते थे उसमें कमी कर दी, और आप कह रहे हैं भी और कमी करने की तवक्को है। दूसरी चीज आपने बताई कि हमारी हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर कुछ मराहत का ऐलान किया है, लेकिन आप एम्फसाइज ये कर रहे हैं कि ये फौरन नहीं होना, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, यानी कि कुछ अरसे तक हमें कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो अच्छा, फिर अब ये तो वो चीजें होगी जो हुकूमत कर रही है, अब इस चीज के अब देखना हमें ये चाहिए ना कि हमारे जो ऑडियंस है वो प्रोफेशनल्स हैं, और उनको उनका प्राइमरी कंसर्न इस वक्त ये है कि उनकी अपने ऊपर कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिन्हें उन्होंने फुलफिल करना है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किन सेक्टर्स में क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, व्हाट शुड वी लुक आउट फॉर, लेट्स टॉक अबाउट दैट फॉर अ मिनट। ओके, अच्छा बिफोर गोइंग इनटू दैट डिस्कशन, मैं दो और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे फोकस करना चाहूंगा जो इकोनॉमी के लिए बड़े क्रिटिकल होते हैं। एक तो हमने डिमांड की बात करी और हमने देखा कि डिमांड जो है वो कम हो गई है और कुछ अर्सा लगेगा कि वो दोबारा रिवाइव होगी, ऑल्दो गवर्नमेंट इज टेकिंग सम स्टेप्स फॉर दैट। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो इकॉनमी को ड्राइव करता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट चूंकि हम सारी डिमांड खुद नहीं पूरी कर सकते, हमें एज ए कंट्री कुछ इम्पोर्ट करना पड़ता है, और इम्पोर्ट करने के लिए जो हम पेमेंट करते हैं वो डॉलर्स में करते हैं, तो डॉलर हम जो है वो कमाते हैं अपनी चीजें एक्सपोर्ट करके। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि हमारी जो बेसिक जिसके थ्रू हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं वो दो तीन सोर्सेज हैं। एक है कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो एक्सपोर्ट करता है, बहुत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है और हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल में होती हैं। अनफॉर्चुनेटली टेक्सटाइल की डिमांड लाइक अदर कमोडिटी अदर थिंग्स हैव गॉन डाउन ड्रास्टिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हमारी टेक्सटाइल की प्रोडक्शन जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली में पढ़ा था कि $200 million के ऑर्डर्स कैंसिल किए गए हैं सिर्फ, और जो अब फोर्सिएबल फ्यूचर में कोई मेजर ऑर्डर्स हमें नजर नहीं आ रहे, तो टेक्सटाइल सेक्टर हमारा बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ। उसकी वजह से डॉलर ऑब्वियसली जो हम एक्सपोर्ट करके लेते थे टेक्सटाइल, वो हमारे पास कम हो जाएंगे। दूसरा एक मेजर जो हमारा सोर्स ऑफ डॉलर या सोर्स ऑफ वो था फॉरेन एक्सचेंज था, वो रेमिटेंसेस थी। वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में पैसे रेमिटेंस के फॉर्म में भिजवाते थे। वो चूंकि पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है और बहुत सारे पाकिस्तानीज जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, खासतौर पर मिडल ईस्ट में और इवन दुनिया के दूसरे ममालिक में भी, तो वो जो रेमिटेंस है वो इट हैज़ ऑल्सो ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। अब उसकी वजह से डॉलर का जो इनफ्लो है वो कम हो गया। लेकिन एक चीज लकीली पाकिस्तान के लिए अच्छी हो गई, वो ये कि हमारी सबसे बड़ी जो इंपोर्ट थी वो ऑयल था, ऑयल की प्राइसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई हैं और आपको पता है हिस्टोरिकल लोएस्ट पे ऑयल जो है उसकी प्राइस आ गई है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में व्यू ये है कि वो ऑलमोस्ट शायद बैलेंस हो जाएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट अगर उसको देखा जाए तो उसमें भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें भी कमी आएगी हमारे इनफ्लो में भी, और हमारी ऑब्वियसली इंपोर्ट भी कम होगी ऑयल की वजह से। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट ड्राइवर स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर है हमारी तरक्की के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने हैं, उन्होंने पुल बनाने हैं, सड़कें बनानी है, जिसके थ्रू ऑब्वियसली पूरी तजारत जो है वो उसके थ्रू होती है। गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो टैक्सेस होते हैं। अब डिमांड कम हुई, कंपनीज ने कम प्रोड्यूस किया, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई तो उनके टैक्सेस भी कम हो गए। इसी तरह जब लोग बेरोजगार हुए तो इनकम टैक्स रिड्यूस होने शुरू हो गए, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। इनफैक्ट एक वन मंथ ओवर मंथ डिक्लाइन मार्च से अप्रैल में जो है वो ऑलमोस्ट मोर देन 30% का जो है वो कोट किया जा रहा है। अब जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा और ऑन टॉप ऑफ दैट दे हैव गिवन अराउंड 1.2-1.3 trillion रुपीस पैकेज टू फाइट फॉर कोविड, तो उनके पास गवर्नमेंट के पास इनकम फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत कम हो जाएगी। उसकी वजह से ऑब्वियसली हमारे डेवलपमेंट जो मंसूबे हैं उन पे भी एक इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक ओवरऑल सिचुएशन। एक पॉजिटिव चीज़ और हुई है कि जो हमारे लोन्स की पेमेंट थोड़ी सी डिले हुई है, जो थोड़ा सा रीनेगोशिएट हो रहा है, उसकी वजह से एक हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। बट ओवरऑल ये तीन फैक्टर हम देखें, डिमांड कम हो गई है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट मोर और लेस बैलेंस रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली वो भी बहुत इनकरेजिंग नहीं है बिकॉज हमारी एक्सपोर्ट्स ड्रास्टिकली कम होगी, हमारी रेमिटेंसेस कम हो गई,
थर्ड ये कि हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती थी बिकॉज ऑफ टैक्स कलेक्शन की रिडक्शन की वजह से और कोविड पे एक्सपेंस करने की वजह से, तो ओवरऑल इकॉनमी जो है वो एक सूरत हाल काफी जो है वो गंभीर नजर आ रही है अगर हम इसको ओवरऑल बेसिस पे देखें। सही, तो आपने दो और पहलू इसके अंदर रेज किए इन एडिशन टू डिमांड जिसके बारे में पहले बात की थी। आपने कहा दूसरा पहलू है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की करेंसी और पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं इंक्लूडिंग ऑयल, और डॉलर हमारे पास कैसे आएंगे जो उन चीजों से जो कि हम मुल्क से बाहर भेजते हैं। हमारी दो बड़ी एक्सपोर्ट्स थी, एक टेक्सटाइल हम भेजा करते थे और आजकल उसकी डिमांड पूरी दुनिया में कम हो गई है, तो खरीदने वाले नहीं है, चूंकि खरीदने वाले नहीं है उसकी वजह से वो डॉलर्स की अब उस तरह की हम तवक्को नहीं रख सकते। दूसरा, हम लोगों को एक्सपोर्ट किया करते थे जो पाकिस्तानी लेबर मिसाल के तौर पर मिडल ईस्ट में जाती थी या पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स मुल्क से बाहर दूसरे ममालिक में जाके काम करते हैं, और उनमें भी उनमें से कईयों की जॉब चली गई है जिसकी वजह से वो जो फॉरेन एक्सचेंज भेजा करते थे वो भी नहीं आ रहा, और उसका नतीजा ये है कि डॉलर्स कम आ रहे हैं। लेकिन फायदा एक दूसरी सूरत में यह हो सकता है कि जो तेल की कीमत में बैन अल-अक़वामी तौर पर कमी हुई है उसकी वजह से जो डॉलर्स हमारे पास मुल्क से बाहर से आते थे और जो हमारे पास से बाहर जाते थे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसके अंदर हमारा अंदाजा है कि वो तकरीबन बैलेंस हो जाएगा। अलबत्ता एक तीसरा पहलू है जिसके बारे में आपने बात की कि हुकूमत जब स्पेंडिंग करती है सड़कों पे, पुलों पे, आपने इंडस्ट्रियल ज़ोन्स का जिक्र किया, उन पे स्पेंडिंग करती है तो उससे बहुत से लोगों की नौकरी पैदा होती है। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत के पास जब पैसे आते हैं तो वो आते हैं टैक्सों की सूरत में, और जब लोग खरीद नहीं रहे चीजें तो उसकी वजह से उनके पास जो टैक्स जा रहा है वो भी कम हो गया है, और अगर हुकूमत के पास टैक्स जाना कम हो गया है और दूसरी तरफ हुकूमत का खर्चा बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने ये बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए पैसे देने शुरू कर दिए हैं, तो अब वो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, ये जो सड़कों पुलों जिनकी हमने बात की थी, इनका क्या होगा। तो ओवरऑल आप कह रहे हैं कि सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान की मईशत की, और यही बात थी जो कि जिसके बारे में गवर्नमेंट के मुख्तलिफ मिनिस्टर्स भी बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट भी आके टीवी के ऊपर भी इस बारे में अपनी राय दे रहे हैं कि हमें अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेना चाहिए कि चंद एक साल ऐसे होंगे कि उनमें मुश्किलात होंगी। और मैं चाहता था हमारी ऑडियंस को जरा एक आम फहम अंदाज में जैसे आपने समझाया थोड़ा सा पता चल जाए कि क्या अवामिल हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इकॉनमी के अंदर हम स्लोडाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितना हमें मालूम होता है उतना ही बेहतर और इन्फॉर्म्ड फैसला फिर हम कर पाते हैं। और मैं अब उस फैसले की तरफ आना चाहता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें जरा इस बारे में थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि प्रोफेशनल्स किन-किन सेक्टर्स की तरफ कैसे देखें? डिमांड रहेगी एक तो उसमें फूड सेक्टर है ऑब्वियसली, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है और फूड के अराउंड जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो काम करती रहेंगी और वो एक बेसिक जो सप्लाई चेन है वो अपनी जगह पे रहेगी। दूसरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में ये बात की जा रही है कि फार्मास्यूटिकल क्योंकि आजकल हेल्थ पे फोकस भी ज़्यादा है प्लस ये एक बेसिक नेसेसिटी है, तो ये दो सेक्टर्स जो हैं दे स्टैंड आउट। और उसके फिर ऑब्वियसली एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, फूड की अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र ऑब्वियसली है, या जो आपके पास एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं या इस तरह की मशीनरी होती है उसकी हम बात कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और उसकी एलाइड जो इंडस्ट्रीज हैं वो, तो ये दो सेक्टर्स जनरली परसीव किया जा रहा है कि इनकी डिमांड इनइलास्टिक है, बाकी जो है वो सेक्टर्स ऑब्वियसली इम्पैक्ट होंगे। और जितनी ज़्यादा कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा लग्जरी कैटेगरी में फॉल कर रही होगी उतनी ही उसकी डिमांड जो है वो रिड्यूस होगी। और एक आपको अंदाज़ा अगर मैं बताऊँ, हम फोरसी कर रहे थे 3-4% GDP, 3% अराउंड GDP फोरसी किया जा रहा था पाकिस्तान का। नाउ वी आर फोरसींग, जनरल एस्टिमेट्स वेरी कर रहे हैं, बट 3-4% नेगेटिव, so it is like 6% 7% contraction of economy की बात हो रही है साल, which is a huge number अगर हमारे उसमें बात की जाए। सही, तो अब इसको हम यू क्रिस्टलाइज कर लेते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों ने वैसे खरीदनी ही हैं, दवा की जरूरत पड़ती ही है तो आपने फार्मा सेक्टर का जिक्र किया, खाना बहरा लोगों ने खाना है तो आपने उसका जिक्र किया, और इन दो इंडस्ट्रीज के साथ रिलेटेड वो तमाम इंडस्ट्रीज जो कि इनको सपोर्ट करती है, हत्ता के ट्रैक्टर्स क्योंकि उनके या फर्टिलाइजर जिनके जरिए हल चलाया जाता है और खाद डाली जाती है उनके बारे में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वहां पे डिमांड काफी हद तक सस्टेन करेगी। अलबत्ता जो भी ऐसी चीज है जिसके अंदर यू समझिए वो एक डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग या अपनी मर्जी है कि मैं इस पर खर्चा करूं या ना करूं, तो अंदाजा है कि लोग उस पर खर्चा करना बहुत कम कर देंगे, और अगर उस पर खर्चा करना कम करेंगे तो जाहिर बात है वो पूरी इंडस्ट्री और उसके पीछे जो पूरी चेन है
वो मुतासर होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि जब भी कोई प्रोफेशनल किसी सेक्टर को देखता है कि सेक्टर में क्या होने वाला है, तो उसे सबसे पहले सवाल पूछना पड़ेगा कि जो चीज ये सेक्टर प्रोड्यूस करता है इकोनॉमी में उसकी डिमांड किस किस्म की है, क्या ये लोगों के लिए इंतहाई अशद जरूरी चीज है उन्होंने, या ये एक ऐसी चीज है जिसके जरिए एक ऐसी चीज प्रोड्यूस होती है जो कि लोगों के लिए इंतहाई अशद जरूरी है, तो फिर तो अंदाजा किया जा सकता है कि ये सेक्टर बरकरार रखेगा अपने आप को। अलबत्ता अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें अंदाजा करना चाहिए कि उसमें कमी आएगी, और वो जो कमी है उसका आपने इस तरीके से जिक्र किया कि मईशत को हम मेजर करते हैं जीडीपी की सूरत में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के उस इलाके के अंदर पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पे कितनी ज्यादा मिकदार में प्रोडक्शन की जाती है, लोगों की टोटल जो मिलकर जो लोग कमाते हैं वो कितना होता है, और उसके बारे में हमारी तवक्को थी कि वो 3% बढ़ेगी इस साल, लेकिन अब हम अंदाजा कर रहे हैं वो 3% कम होगी, और 3% कम होने का मतलब है वो 3% बढ़ना, 3% कम होना, जो टोटल इफेक्ट आ रहा है वो तकरीबन 6% का है, जो कि एक अच्छा खासा इम्पैक्ट है। अच्छा, ये तो अब हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल हो गई और जो सेक्टर्स हैं उनको एवेल्यूएट करने के लिए हमने एक छोटी सी एक टेक्निक दे दी, टूल दे दिया, एक कॉन्सेप्ट दे दिया, और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो प्रोफेशनल ऑडियंस है वो इसको समझ के अपनी तरफ से कुछ ना कुछ फैसला कर सकेगी। जो एक सवाल अलबत्ता इसके साथ साथ ये पैदा होता है कि एक प्रोफेशनल अगर कहीं एक इदारे के अंदर काम कर रहा है, उसे मालूम है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अभी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आना है, और उस इम्पैक्ट से बचाने के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने के लिए उसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो किसी तरीके से अपनी जगह बैठे बैठे हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपना रेवेन्यू बढ़ा सके, या फिर अगर उसके लिए वो मुमकिन नहीं है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुमकिन नहीं है, मिसाल के तौर पर सेक्टर ऐसा है, तो वो फिर अपनी कॉस्ट कम कर सके। तो ये कैसे किया जाता है, और इनोवेशन या इनोवेटिव थिंकिंग ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए जो कि आमतौर पर इस चीज के बारे में नहीं सोच रहे, क्या किया जा सकता है, क्या इसकी कुछ मिसालें हम सोच सकते हैं मिलकर के जिससे लोग थोड़े से इंस्पायर हो सकें और फिगर आउट कर सकें कि भाई मुझे मालूम हुकूमत अपनी तरफ से कुछ कर रही है, लेकिन मैंने भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि अब जब होगा तो इफेक्ट आएगा मुझ तक, मैं किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकता हूं, क्या क्या, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म सम आइडियाज। आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि ये खाली इकोनॉमी की रिसेशन की सिचुएशन नहीं है। हम 2008 या 2001 या उससे पहले जो रिसेशन आए हैं वो थोड़े से डिफरेंट थे। अभी हमारे वर्क पैटर्न्स डिस्टर्ब हो गए हैं, फंडामेंटली हमारी हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है उस टाइम से जो इससे पहले था। लोग घरों से काम कर रहे हैं, इवन वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में काम करते हैं उनके वर्क पैटर्न्स वो 20-20 साल से जिस पैटर्न पे काम कर रहे थे वो चेंज हो गया है। लोग जो है इसके अलावा एक जो चीज़ जो बड़ी चेंज आनी शुरू हुई है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जहाँ यूज़ नहीं होती थी वहाँ पर भी अब यूज़ करनी पड़ रही है। तो एक तो ये कि वर्क पैटर्न्स बहुत ड्रेस्टिकली चेंज हुए हैं, और 10 साल बाद की जो हम बातें करते थे वो लोगों ने आज उस चीज़ पे हमें काम करना पड़ रहा है। तो एक तो आई थिंक जो हम लोग एज प्रोफेशनल्स, वो लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होने की बजाय इस चीज़ के साथ इस चीज़ को एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी लें, बिकॉज दिस इज़ फ्यूचर ऑफ वर्क जिसकी हम बात किया करते हैं, और इसको लर्न करें, टेक्नोलॉजी पर अपनी प्रोफिशिएंसी इम्प्रूव करें, और देखें कि टेक्नोलॉजी को कैपिटलाइज करके किस तरह अपने काम को आसान बनाया जा सकता है, किस तरह उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, और इस मेक श्योर करें कि एटलीस्ट उनकी प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस ना हो। और इस ऑब्वियसली हम घरों में बैठे हुए हैं, पूरी इकॉनमी लॉकडाउन है, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, फिर ऊपर से जहर वायरस का और इसका एक हेल्थ का एक कंसर्न है, लाइव्स आर एट स्टेक, तो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट और वो एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर आजकल बात की जा रही है, कंपनीज उस बारे में सोच रही हैं। तो एक तो जो काम हम कर सकते हैं जो कि 100% हमारे कंट्रोल में है एज प्रोफेशनल्स, वो ये कि हम नए तरीकाकार जिसके ऊपर आजकल काम हो रहा है, कंपनीज वर्किंग फ्रॉम होम और मे बी एट प्लांट्स ऑल्सो जहाँ पे डिफरेंट तरीके से काम किया जा रहा है, उससे अपने आप को अडेप्ट करें। सेकेंड, हम उन स्किल्स को सीखें जो कि इस तरह के काम को प्रोडक्टिव तरीके से करने के लिए ज़रूरी होती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसमें, इवन छोटे मोटे सॉफ्टवेयर करना, डेटा को यूज़ करना, इन चीज़ों को जो है, और टीम्स को वर्चुअली मैनेज करना, इस किस्म की चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। तीसरा एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज रियलाइज़ कर रही हैं वो ये कि जब वर्किंग फ्राम होम शुरू हुआ, और मेरी बहुत लोगों से इस पर डिस्कशन हुई है, एक रियलाइजेशन होनी शुरू हुई है वो ये कि बहुत सारे काम ऐसे हैं और उनके ऊपर लोग एम्प्लॉय किए गए हैं जिनकी शायद ज़रूरत नहीं। कंपनीज अब रियलाइज़ कर रही हैं कि ये जो काम हम घर से कर रहे हैं और हम बेयर
वो काम करें जिनकी बहुत ज्यादा अभी जो क्रिटिकल काम है, तो बहुत सारे नॉन क्रिटिकल काम में भी उनकी जरूरत नहीं है, और उन पे जो लोग एम्प्लॉयड हैं मे बी दे आर सॉर्ट ऑफ रिडंडेंट. तो हमें ये देखने की जरूरत है कि हम वो, अगर हमारा रोल इस किस्म का है जो कि बहुत रेपिटेटिव है और जो कि ऑटोमेट हो सकता है, तो हमें अपनी स्किल एनहेंसमेंट करने की जरूरत है, और हमें ऐसी स्किल सीखने की जरूरत है जिनकी डिमांड हो फ्यूचर में. एक तो ये चीज हो गई कॉस्ट इम्प्रूवमेंट. कॉस्ट, देखें इस चीज़ में मेरा व्यू ये है कि ये नहीं हो सकता कि किसी कंपनी में इनोवेशन का कल्चर ना हो और वो ये सिचुएशन आए और वो एकदम इनोवेटिव हो जाए. दिस इज़ हाईली अनलाइकली. इसके लिए पहले से प्रिपरेशन, जो कंपनीज पहले से इस चीज़ पे फोकस करती आई हैं, जहाँ के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जहाँ के जो इनोवेशन के तरीक़ाकार हैं वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, उनके लिए एक एडवांटेज. वहाँ पर लोग बहुत जल्दी सीखेंगे, वो एजाइल तरीके से काम करेंगे और अपने प्रोसेस सिस्टम को रीअलाइन करते हुए बहुत जल्दी जो है वो नई चीज़ से हो जाएंगे. बाकी कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि अभी इस चीज़ पे फोकस करें और देखें कि आगे जाके हमारी दुनिया बहुत तब्दील होने वाली है, और हमें जो है वो नई चीज़ों को सीख के जल्दी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वरना प्रॉब्ली हमारा सर्वाइवल जो है मुश्किल हो जाएगा. सही. तो ये दो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपने एम्फसाइज किया है. एक तो एक इंडिविजुअल के लिए ज़ाती तौर पर उसे अपनी स्किल्स बिल्ड करने की ज़रूरत है, आप कह रहे हैं. और उसमें इट्स द वे टू वर्क व्हाइल यू आर रिमोट. इसमें टीम्स को मैनेज करना भी आ गया और अपने आप को मैनेज करना भी आ गया. और दूसरा, चूंकि अब काम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है कि अपने आप को उस टेक्नोलॉजी से अवेयर करना या उसकी स्किल्स बिल्ड करना, इवन इफ लेट्स से बिफोर दिस पॉइंट लोग इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे टेक्नोलॉजी के साथ, अब जरूरी हो गया है कि वो टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो जाएं और अपनी स्किल्स को बिल्ड करें. तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गई. दूसरी एस्पेक्ट इसकी ये आपने बताई कि ऑर्गेनाइजेशंस अब, इससे पहले अगर वहाँ कल्चर था पिवट करने का और इनोवेट करने का और सोचने का कि किसी काम को बेहतर कैसे किया जा सकता है, तो उन्हें तो फायदा होगा. जिनको नहीं था, जिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर नहीं था, वहाँ के स्टाफ को वो कल्चर अब क्रिएट करना चाहिए. जाहिर बात है वो चैलेंज होगा, लेकिन वो करना नागुजीर हो गया है. और अगर ऐसे ना किया गया तो फिर शायद नुकसान जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है. Very valuable. Let me, as we're going to close this soon, let me give you a minute or so to see if you have any final comments, any advice for our audience. For who? Sorry. Hamari audience ke liye kya advice hai aapke paas? Dekhen, I think ye situation jo hai, ye hum sab ke liye challenging situation hai. We are not used to this type of working environment, this type of economical shocks also. But isme opportunity bhi hai. Is pure change ke baad duniya change ho jayegi. Bahut sari wo industries jo well established thi, wo shayad us tarah well established nahi rahengi ya khatam ho jayengi. Lekin bahut sare naye business models, nayi opportunities jo hai wo samne bhi aayengi. To it is not all gloom and doom. It is basically a lot of opportunities are also coming up. So, हमें अवेयर होना है इन चीज़ों से, और हमें देखना है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, कहाँ कहाँ पर जो है नई बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं, कहाँ पर हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, और उसको करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें. और ये जो टाइम है जिसमें हम लॉकडाउन है, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है हम चीज़ों को लर्न करें, तो हम अपने आप को प्रिपेयर करें कि जब दुनिया दोबारा ओपन हो और अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आएँ, तो हम उनको प्रॉपर तरीके से कैपिटलाइज कर सकते. सही. तो फरूख साहब की भी एडवाइस वही है जिसके ऊपर हम भी एम्फसाइज करते रहे, और मेरे साथ जो इससे पहले गेस्ट आए थे वो भी इसी के ऊपर एम्फसाइज कर रहे थे कि दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर, दिस इज द टाइम टू बिल्ड वन सेल्फ अप, दिस इज नॉट द टाइम टू सिट इन ग्लूम एंड वेट फॉर थिंग्स टू हैपन. एंड व्हाट शुड वी बी प्रिपेयरिंग फॉर, उसके बारे में हमें फरूख साहब ने कुछ इंटरेस्टिंग किस्म की इनसाइट्स दी. हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी जात को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी नई स्किल्स हम सीख सकते हैं, ये वो वक्त है अपने आप को बिल्ड करने का. विद दैट फरूख साहब, आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच फॉर द वैल्यूएबल टाइम दैट यू गेव अस टू एंड शेयर्ड योर थॉट्स विद आवर ऑडियंस. मैं साथ साथ एक और चीज भी मेंशन करता जाऊं कि फॉर दोज अमंग यू हु आर फ्रॉम द एचआर फ्रेटर्निटी, मैंने फरूख साहब से रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें कुछ एडिशनल वक्त दें और हमारे साथ एक लाइव वेबिनार में शामिल हों जिसमें हम एचआर फ्रेटर्निटी के साथ इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करें कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो चेंजेस अभी एक्सपेक्टेड हैं और जो आ रही हैं और जो हम इस वक्त नोटिस कर रहे हैं, जो डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं स्टाफ का, जिससे हमें पता चल रहा है कि किस किस्म की स्ट्रेसेस हैं और किस किस्म के इश्यूज हैं, उनसे ऑर्गेनाइजेशंस के एचआर डिपार्टमेंट्स को कैसे डील करना चाहिए. सो इन द नेक्स्ट
कपल डेज आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, और मैं इस वीडियो के नीचे एक फॉर्म का एक लिंक भी छोड़ दूंगा ताकि आप उसको फिल कर लें और हमारे उस वेबिनार के लिए साइन अप कर लें. सो फारूक साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इट वॉज गुड टू हैव यू. एंड फॉर आवर ऑडियंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड एंड पोस्ट देम बिलो दिस वीडियो एंड वी विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड either directly in the comment section or in another future video for you. Thank you very much and stay safe. Assalamu alaikum.